हिसार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने जा रहे नॉर्थ जोन के जीएम की स्पेशल ट्रेन को लोगों ने हांसी रेलवे स्टेशन पर जबरदस्ती रुकवा लिया। दरअसल ऐतिहासिक नगरी हांसी के रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं है। शुक्रवार को लोगों को जैसे ही जीएम की ट्रेन के हांसी से गुजरने की सूचना मिली तो उन्होंने ट्रेन रोकने का ऐलान कर दिया। सुरेंद्र शर्मा बसपा नेता ने तो शहर में बकायदा रेलवे ट्रैक के आगे लेट जाने की मुनादी तक करवा दी, जिसके बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और भारी संख्या में पुलिस फोर्स को ट्रैक पर तैनात कर दिया। रेलवे नॉर्थ जोन के जीएम आनंद प्रकाश को हांसी से होते हुए हिसार रेलवे स्टेशन जाना था। इससे पूर्व ठीक 4 बजे बसपा नेता सुरेंद्र शर्मा और काफी संख्या में अन्य लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। एक रिक्वेस्ट है हरियाणवी भाषा में, मेरे खेत से नदी बह रही है और किनारे पर हम ही प्यासे बैठे। एक मिनट जी पूरी जा रही है, आप हर जगह रोकते रहोगे। स्टॉपेज कर दो सर, भगवान आपके 200 साल उम्र करेंगे, ट्रेन रोक दो। और दूसरी बात है सर एक मिनट जी, हजारों रिश्तेदार यहाँ यूपी बिहार साइड होते, क्योंकि हरियाणा में शादी नहीं होती। हिसार जाते दीवाने उतरते, बच्चे भी परेशान, लुगाई भी परेशान। जीएम आनंद प्रकाश ने कहा कि एक्सप्रेस ट्रेनों को हर स्टेशन पर रुकवाना संभव नहीं है, लेकिन वह उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे। करीब 2 मिनट के ठहराव के बाद जीएम की स्पेशल ट्रेन हांसी स्टेशन से हिसार की तरफ रवाना हो गई और अधिकारियों ने चैन की सांस ली। हमारी हांसी के इलाके की ये बहुत बड़ी लंबे समय से मांग है कि हांसी के अंदर गोरखधाम के अलावा ये बाकी यहाँ से लगभग 6-7 ट्रेनें निकलती हैं, उनका ठहराव चाहे 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए कर दें, लेकिन हाँ यहाँ पे ठहराव होना चाहिए। यहाँ लगभग 200 गांव से ज़्यादा हांसी के आसपास हैं, लगभग 4-5 तहसीलें हैं। अब अगर ये रुक जाती है ट्रेन तो बहुत जनता को फ़ायदा होगा। इसमें 3 हलकों के लोग ज़्यादातर इससे संबंधित रखते हैं, मेन तौर पर विधानसभा के। तो इसके अंदर हमने मांग की है कि गोरखधाम को यहाँ पे स्टॉपेज दिया जाए, उसके अलावा अजमेर और अमृतसर अप एंड डाउन, इसके भी एक एक मिनट का, दो दो मिनट का इनको समय दे। और इसके अलावा यहाँ पर बीकानेर और हरिद्वार, उसका भी ठहराव हांसी के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा एकता एक्सप्रेस जो भिवानी के अंदर खड़ी होती है, उसका ठहराव, उसको हिसार के अंदर ठहराव उसका होने रुकना चाहिए वो जा करके, और वहीं पे वॉशिंग यार्ड है, वहाँ से वो साफ भी ट्रेन हो सकती है और लोगों को स्वच्छ ट्रेन और स्वच्छ रेलवे का जो है आभास होगा। जो चंडीगढ़ के लिए जाती है वो हिसार से चंडीगढ़ कालका के लिए जानी चाहिए, उससे लोगों को सीधा हांसी से सीधा चंडीगढ़ का उनका आवागमन हो जाएगा। तो इस तरह से अब लोगों को अगर ये ट्रेनें का ठहराव देते हैं तो सीधा बीकानेर से कनेक्टेड हो जाएंगे लोग, सीधा अजमेर से कनेक्टेड हो जाएंगे, और इसी तरह से अमृतसर और लखनऊ गोरखपुर तक ये कनेक्टेड लोग हो जाएंगे। यहाँ से सीधा आवागमन उनका हांसी से हो सकेगा। तो यही हमारे जीएम साहब से हमारी मांग थी, और मैं सभी भाइयों का, आप लोगों का क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? तो उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करके आपको हम रुकाएंगे।